सभी को नमस्कार प्रणाम। जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं आपको पटना का भ्रमण कराऊंगा, तो आज सुबह सुबह हम ये 4:30 में उठे और यहाँ 4:45 में हम बहुत ही भव्य स्थान पे पहुँच चुके हैं जिसका नाम शीतला मंदिर है। और इससे अशोक और शीतला मंदिर से जुड़े हुए अनेक प्रकार की कहानियाँ और अनेक प्रकार से लोग बताते हैं। जो अशोक जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर बसाया था और उससे बहुत ही रहस्यमयी जुड़ी हुई कहानियाँ यहाँ पे है। और हम लोग शीतला मंदिर कैंपस में आ चुके हैं और मैं आप लोगों को ये नज़ारा, ये दृश्य दिखाना चाहूँगा। और मेरे साथ एक बार बोलिए शीतला माई की जय। और सुमित जी हैं मेरे साथ जो कि वीडियो बना रहे हैं, आपको एक एक चीज़ यहाँ का दिखाएंगे और मैं इनके साथ विवरण भी आप लोगों को देता जाऊँगा। सो सुमित जी, बताया जाता है कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित अगम कुआं और इसके साथ माता शीतला जी का मंदिर कई चमत्कारों और रहस्यों को अपने में समेटे हुए। शीतला माता मंदिर और अगम कुआं का संबंध अशोक सम्राट के काल से है। इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि अगम कुआं के पवित्र जल से स्नान करने से बांझपन के निवारण के साथ साथ कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। और थोड़ा इसे वो दूसरे एंगल से लेकर आए सुमित जी। जैसा कि मैंने बताया था कि शीतला मंदिर और अशोक का एक बड़ा ही संबंध है। बताया जाता है कि सम्राट अशोक के काल से इस यहाँ पे एक कुआँ है जिसको अगम कुआँ के नाम से जाना जाता है और इस कुएँ का धार्मिक महत्व रहता है। साथ ही इस मंदिर और कुएँ से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य भी हैं। कई रहस्य आज भी लोगों के मन में घर किए हुए हैं, जैसे इस कुएं का पानी कभी क्यों नहीं सूखता, क्या अगम कुआं में दबा था सम्राट अशोक का खजाना, आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इसी कुएं में दबाई। बोलिए शीतला माई की जय। बताया जाता है इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल में 273 से 332 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत है कि इतना पुराना कुआं होने के बाद भी यह कभी नहीं सूखता है। इस कुएं की एक और खासियत है, इसमें पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की मान्यता के संबंध में पुरातत्व विभाग का कहना है कि कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। इस कुएं की गहराई को देखते हुए इसका नाम अगम कुआं रखा गया है। और ये कुआं मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यही कुआं है, आप देखिए इसे। और इसकी गहराई आज तक मापी नहीं गई है, ये कितना गहरा है।
और मैं फिर से आपको कुछ बताना चाहूँगा, कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर 9 और कुएं हैं, जैसा कि ये मान्यता है कि इस कुएं के अंदर 9 और कुएं हैं और सबसे अंत में एक तहखाना है, यहाँ सम्राट अशोक का खजाना था और इसे खजाना गृह भी कहा जाता है। खजाना गृह अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ था। यही कुआं जो मैं आप लोगों को बार बार बताना चाह रहा हूँ कि यही कुआं था जिसमें क्या था कि मान्यता यह है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपनी 99 भाइयों का हत्या कर इसकी लाशों को इस कुएं में डलवाई थी। इस घटना का वर्णन उस समय के चीनी यात्रियों ने भी अपने पुस्तक में की है। इसके साथ इस पुस्तक में यह भी वर्णन है कि सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मरवाकर उनकी लाशों भी कहीं फेंकवाते थे, लाशों को कहीं फेंकवाते थे। लेकिन क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है कि इस कुएं में अशोक ने अपने 99 भाई का हत्या किया और इस कुएं में डाला, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया क्योंकि आज तक इस कुएं की गहराई नहीं मापी गई है। हम लोग प्री प्लान नहीं थे कि कहाँ जाना है, एकाएक जब मैं रोड पे निकला तो प्लानिंग बन गया कि क्यों नहीं लोगों के बीच जो शीतला मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है वो लोगों के बीच रखा जाए। और आपको मतलब मैं इस तरह से इतने अच्छे समय पहुंच गया कि आरती भजन होते हुए भर में ही है ना मैंने इस मतलब दृश्य को शूट किया है। और बड़ा ही रमणीय स्थान और अनेक मान्यताएँ जुड़ी हुई है ये शीतला मंदिर से। और सुमित जी इधर से दिखाएंगे थोड़ा सा पूरे मंदिर परिसर को। कहा जाता है अगम कुएं के पास ही है शीतला माता मंदिर और पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर शीतला माता की रोजाना यहां अनेक भक्तों कुएं
कुएं को पूजा करते हैं और ऐसी मान्यता है कि कुएं के जल का उपयोग कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। साथ ही यह भी कहना है कि इस कुएं के जल से स्नान करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित है, यदि वो आकर इस कुएं से स्नान करे तो उस रोग का भी निवारण इस कुएं के पानी में। तो देखिए, कहता है कि साइंस कितना भी डेवलप कर गया है, लेकिन आज तक हमारे लोगों के मन में जो एक मान्यता है, जो आस्था है, उसको आज तक चोट नहीं आई। और आज तक ये कहा जाता है कि कुएं के जल से कुष्ठ रोग को दूर किया जा सकता है, और यदि माता रानी का कृपा हुआ तो आपको, मतलब फिर तो कोई काल आपको कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सर्वोपरि हैं और ये सर्वज्ञानी हैं और ये बहुत ही मनोकामना पूरी करने वाली है। और इस तरीके से मैंने शीतला मंदिर परिसर को आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया, आप लोगों के सामने दिखाया, और इसी तरीके से मैं रेगुलर आपको इस तरह का छोटे छोटे कंटेंट देता रहूँगा। केवल आप लोग अपना प्यार बरसाते रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और मैं हमेशा इस तरह का कंटेंट आप लोगों के पास लाता रहूँगा। और यहीं पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा। एक बार बोलिए शीतला माई की जय।